नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सकमा एक्सपोर्ट पे। अभी आप देखिए, सकमा एक्सपोर्ट का रेट चल रहा है 6.17, और ये माइक्रो कैप कंपनी है और डिविडेंड भी बहुत कमी देती है। और इसका देखिए 3 साल का हाईएस्ट है 38 रुपीज़, और माइनस तो भी 35% दे रही है। और आप देखिए, इसने 10 साल में 257% का रिटर्न दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अभी ये देखिए, वन वीक में 1.48% का इसने रिटर्न दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए प्रमोटर के पास है मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास है। और इसमें देखिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ी सी एक ये प्रॉब्लम है कि ये जो शेयर है ना, वो प्लेस्ड प्रमोटर है। मतलब ये 15.72% गिरवी रखा हुआ है, ठीक है ना। और म्यूचुअल फंड में ने कुछ नहीं लगाया ना, तो FIs ने लगाया है। और ये देखिए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए, यहाँ पे जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर के पास टोटल होल्डिंग है 58.07%, ठीक है। और मैं दिखा रहा हूँ आपको इसका, देखिए ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जो अपना प्लेस्ड प्रमोटर है वो देखिए कब से है, 2019 से ही है, 2019 से 14% है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 15% है। ये देखिए FIs ने पहले होल्डिंग लिया था, ठीक है ना। FIs ने 2019 में, जून 2019 में इसने देखिए यहाँ पे लिया था, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू था, और दिसंबर 2019 में उसने सेल कर दिया। अभी उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है FIs के पास, और म्यूचुअल फंड ने कभी भी कुछ नहीं परचेज किया इसमें। और DIs, ये देखिए DIs ने भी, इसने 2019 में भी लिया था होल्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद सितंबर 2019 में जीरो कर दिया था। अभी फिर उसने DIs ने 2019 में, दिसंबर 2019 में फिर से लिया था। और अभी देखिए, अभी उन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, उन्होंने नील कर दिया है। ये देखिए, ये काम किस में करती है, ये सकमा एक्सपोर्ट बस खाली एक्सपोर्ट ही करती है, ठीक है ना। और रॉ मटेरियल इनका है, देखिए रॉ मटेरियल है PP ग्रेनुअल, PP फैब्रिक, लाइनर, ठीक है, ये इसमें डील करती है। और ये देखिए इसका जो चार्ट है सकमा एक्सपोर्ट का, ये देखिए चार्ट में मैं आपको दिखाऊं। अब ये देखिए 6.15 रुपये पे आज क्लोजिंग हुई है। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको मिलता है ना, तो आप 6 रुपये से नीचे ही लीजिएगा, क्योंकि 6 रुपये से ऊपर अगर लेंगे तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। और आप इतना ही लीजिएगा कि जितना आपको प्रॉब्लम ना हो सके, मतलब आप इतना ही रिस्क लीजिएगा कि प्रॉब्लम ना हो सके। और अब 6 रुपये से नीचे ही लेंगे तो आपको बेस्ट प्राइस, शायद मेरे हिसाब से बेस्ट प्राइस है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 2019 में इसका हाई था 40 रुपये करीब, फिर वहाँ से ये गिरता हुआ देखिए कहाँ तक अभी आ गया है, 3 रुपये कुछ पैसे आया था, देखिए 3.50 रुपये से भी नीचे आया था, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ना निवेश करिएगा, क्योंकि ये सब माइक्रो कैप है और इसमें जितना अप जाने की संभावना ज़्यादा होती है, उतना डाउन होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। फिलहाल प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कंपनी भी बढ़िया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि ये प्लेस्ड प्रमोटर है, मतलब कुछ शेयर गिर भी रखे हुए हैं। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कुछ थोड़ा ही अमाउंट करिएगा कि जितने से आपको तकलीफ़ ना हो और पैसा भी अच्छा आ जाए।